सीन आता है नाना के ऊपर और वो रेस्टोरेंट पे अपना काम कर रही थी। इसी बीच इधर कुछ गार्ड आ जाते हैं और इसके बाद ही वो लोग नाना के साथ बातें करते हैं। इसके बाद ही वो लोग एक पेपर को निकाल लेते हैं और इसमें लिचित का फोटो था। वेल इसके बाद ही वो लोग कहते हैं ये एक बंदा है, हम लोग बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, तो उसके कारण हमें ऐसा लगता है ये इधर कहीं पर था, तो उसके कारण अगर इसके बारे में कुछ भी जानती हो तो हमें बता सकती हो, हमारा हेल्प होगा। वेल इसके बारे में नाना कहती है वो इसके बारे में नहीं जानती, वैसे आप लोग इसको क्यों ढूंढ रहे हो। और इसके बाद वो लोग कहते हैं इस बंदे के पास एक बैरेट है जो कि इलीगल है, तो उसकी कहानी वो लोग बहुत टाइम से इसको ढूंढ रहे हैं। ये बंदा कहीं पर भी दिख जाए या फिर इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हमें बता देना। और इसके बाद वो लोग नाना को वही पिक्चर देके इधर से चले जाते हैं। गार्ड के जाने के बारे में दिखा चले हीना को चाह पर वो भी गार्ड के जाने के बाद नाना कहती है हीना तुम बाहर आ सकती हो। और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, नाना हीना को सब कुछ कह देती है यानी वो सारे गार्ड इधर किस लिए आई थी। पर सारा बात सुनकर हीना हैप्पी भी होती है क्योंकि हीना सेफ थी, और उसके साथ ही हीना चिंतित भी होती है क्योंकि अभी के टाइम में लिचित अनसेफ था। और इसको सुनकर नाना कहती है वैसे कोई बात नहीं है, मैं आपको संभाल सकता है यानी वो सेफ ही होगा। और ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और हमें दिखा चले एक और लेडी को, उसका नेम होता है लिन और वो अपना काम कर रही होती है। और इसी बीच इधर आ जाता है उसका असिस्टेंट यानी पेले, वो दोनों भी गाड़ी थे। वेल इसके बारे पहले अंदर आ जाता है और इसके बारे पहले कह देता है और इसके बारे पहले कहता है उनके पास एक काम है। लिन कहती है क्या, और इसके बारे पहले कह देता है उनको एक बंदी को ढूंढना होगा। पहले उसी पेपर को लिन को दिखा देता है जहाँ पर लिन भी मान जाती है, साथ ही लिन के पास भी अपना ही एक काम था यानी लिन के पास भी बहुत सारे पोस्टर थे, इनको बहुत सारे बच्चों को इनवाइट करना था, तो उसकी कहानी वो भी अपना काम करने के लिए बाहर आ जाती है। वेल इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही आगे जाने लग जाते हैं जहाँ पर वो लोग बातें करते हैं। और इन सारी बातों से हमें पता चलता है लिन बहुत ज्यादा अच्छी है, वो बच्चों से बहुत प्यार करती है, साथ ही वो लोगों का बहुत ज्यादा मदद करती है। और ऐसे वो लोग बातें करते हुए आगे जा रहे थे और इसी बीच में दिखा सकते कुछ बच्चे खेल रहे थे जहाँ पर जो उनका बॉल था वो पेड़ में अटक जाता है। की कहानी वो लोग बहुत मुसीबत में होते हैं और वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, तो देखकर लिन मदद करने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर वो पेड़ में चढ़ती है, लेकिन लिन खुद ही पेड़ में फंस जाती है। और इसके बाद लिन बहुत ज्यादा ट्राई करती है और आखिरकार वो सारे बच्चों को हैप्पी कर देती है। इसको देखकर वो बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं क्योंकि वो बॉल नीचे आ गया था। वह इसके बाद हमें दिखाया जाता है पर्सन होते हैं जो कि इधर से आ रहे थे और जो उनका गाड़ी होता है वो किचन में फंस गया था, तो उसकी कहानी वो लोग भी मुसीबत में आ गई थी। लिन उनके पास आती है और उसके बाद वो सबको एक करके गाड़ी को धक्का देने लग जाती है यानी लिन हेल्प करने लग जाते हैं, जहाँ पर जो गाड़ी था वो बहुत कीचड़ में डुबा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और इसके साथ ही इसकी कहानी वो गाड़ी बाहर आ जाता है। इसको लेकर वो पर्सन बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और इसके साथ ही वो लोग लिन के साथ बातें करते इधर से चले जाते हैं। काम के बाद लिन अपना मुंह धो लेती है और इसके बाद वो लोग बातें करते हैं यानी पहले भी उसके पास आता है और इसके बाद पहले कहता है आप बहुत ज्यादा दूसरों का हेल्प करते हो, लेकिन जो आपका काम है जिसके लिए आपको रखा गया है वो आप नहीं करते हो, जो कि अच्छा बात नहीं है। वैसे इसके बाद लिन कहती है हमें जानती हूँ खा गया इस सिटी के क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये सिटी है ये बहुत ज्यादा शांत है, सिटी में कोई क्रिमिनल नहीं है और अगर वो आगे भी आएगा तो अगर कोई आ जाएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगी और ये मेरा काम ही है, दूसरों का हेल्प करना भी हमारा ही काम है। वेल इसके बारे पहले कहता है वैसे मैं जानता हूँ ये सब आपका काउंट बढ़ाने का तरीका है, आपका काउंट हेल्प के ऊपर डिपेंड करता है, तो उसकी कहानी आप दूसरों का हेल्प करते हो ताकि आपका काउंट बढ़ जाए। इसके बारे लिन कहती है हाँ वैसे तुम सही कह रहे हो, लेकिन इससे आपका नहीं होगा क्योंकि मैंने देखा है आपने आज तक बहुत से लोगों का हेल्प किया है, उसके बाद भी आपका जो काउंट है वो अब तक नहीं बढ़ा, यानी इसका एक ही मतलब है आपको एक बहुत भयंकर हेल्प करना होगा। कोई बंदा अगर बहुत सारे प्रॉब्लम में है तो उसको आपको हेल्प करना होगा ताकि आपका अकाउंट बढ़ जाए, कहते हैं वैसे ऐसा बंदा कहाँ पर मिलेगा। और उसके बाद कहते हैं वैसे ऐसा बहुत कम ही मिलता है। और इसके बाद पहले उसी पेपर को निकाल लेते हैं और वो कहता है आपने अगर इसको ढूंढ लिया तो आपका अकाउंट बढ़ जाएगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और उसके बाद लिन देखती है उस पेपर को जहाँ पर उसे पता चल जाता है उनको ढूंढना था एक बहन में बंदे को जिसका नेम है लिचित, वो एक लेजेंडरी एस है। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते एसेस के बारे में यानी वो लोग कौन थे, पहले कहता है शायद से लिन आप नहीं जानते हो लेजेंडरी एस किसको कहा जाता है। और उसके बाद ही कहती है वो जानती है लेजेंडरी एस किसको कहा जाता है। ऐसे वो लोग बातें करते हुए आगे आ रहे थे जहाँ पर लिन कहती है लेकिन ये मिशन उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल होने वाला है क्योंकि वो लोग जानते हैं लेजेंडरी एस क्योंकि वो लोग जानते हैं लेजेंडरी एस 300 साल पहले थे, तो उसकी कहानी उनके लिए ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला है। वैसे ही वो लोग बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं और इसी बीच रास्ते में वो लोग एक पर्सन को देख लेते हैं और उसके मुंह पे एक मास्क था जो कि बहुत अजीब लग रहा था, तो इसे लेकर वो लोग जान लेते हैं यानी पता कर लेते हैं यही वो एस हो सकता है। डायरेक्टली उस बंदे के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और इसके बाद वो कहने लग जाती है तुम्हें एस होना मैं जानती हूँ, उस बंदे को पकड़ लेते हैं जहाँ पर वो बंदा रो रहा होता है और वो कह रहा होता है वो तो बस इधर पुडिंग बेच रहा था, इसके अलावा वो कोई एस वेस को नहीं जानता, उसकी बातों का बिलीव नहीं करती है, तो उसकी कहानी वो बंदा दिखा देता अपना काउंट जो कि था -999 यानी वो बहुत ज्यादा वीक है। कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम एक पुडिंग बेच रही थी तो तुम्हें मास्क का क्या जरूरत है यानी इतना घटिया सा,
इसके पीछे का रीजन क्या है और इसके बारे में लिखा जाता है उस बंदे को यानी उसी बिजनेसमैन को, जहाँ पर वो रोने लग जाता है। तो देखकर लिन कहते हैं तुम रोने क्यों लग गए, और उसके बाद वो कहता है उसका बैक स्टोरी है ये बहुत ज्यादा सैड है। तो पहले बहुत सारे लड़कियों ने रिजेक्ट किया था, तो उसके कारण उसका शादी नहीं होने वाला। उसका एक सपना है यानी उसको एक लड़की के साथ डेट पे जाना है जो कि उसका आखिरी सपना है। इस बारे में सोचकर वो रो रहा है और उसके साथ ही उसके मुंह पे जो मार्क्स है वो भी इसका ही रीजन है। वो किसी भी लड़की को अपना मुंह नहीं दिखा सकता, उसको बहुत ज्यादा अलग सा फील होता है। ऐसे ही वो रोने लग जाता है, जहाँ पर इसको देखकर जो पेले होता है वो कहता है तो हाँ हमें मिल गया। लेकिन आप जिसको ढूंढ रही थी यानी कोई प्रॉब्लम में है जो कि बहुत भयंकर है वो यही बंदा है। उसके साथ आप डेट पे जा सकते हो और उसके साथ ही आप उसका काम कर सकते हो, ताकि आप उसका काम कर सकते हो यानी उसका ड्रीम पूरा कर सकते हो और इससे आपका काम भी बढ़ जाएगा। उसके बाद लिन सोचती है हाँ वो ऐसा कर सकती है और इससे उसका अकाउंट बढ़ जाएगा, तो उसकी कहानी लिन भी मान जाती है। देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके साथ ही वो कहता है उसको बिलीव ही नहीं हो रहा उसके साथ कोई बंदी डेट के लिए मान गई। उसके बाद वो दोनों रेडी हो जाते हैं डेट के लिए और उसके साथ में दिखाया जाता है अकाउंट जो कि एक बढ़ गया था, यानी इसको देखकर वो लोग जान लेते हैं हाँ सच में लिन का पॉइंट बढ़ने वाला है, इससे हैप्पी होती है। इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक टेबल में और उसके साथ ही उनको एक साथ ही जूस पीना था। आइडिया उनको पहले दे रहा था यानी डेट को कैसे सक्सेस बनाया जाता है इसके बारे में पहले ही जान रहा था। इधर उनके पास एक जूस आ गया था। वेल इसके बाद कहते हैं वैसे उनको अब क्या करना है क्योंकि उनके पास तो एक ही ग्लास है, और उसके बाद कहता है तो आपको एक ही ग्लास से यानी आप दोनों को एक ही ग्लास से जूस पीना है, ताकि जो आपका डेट है या फिर आपका प्यार है वो ज्यादा हो जाए, ज्यादा भी हैप्पी हो जाए। जहाँ पर जो ये बंदा होता है वो पहले ही अपना जूस पी रहा होता है और इसके बाद ना चाहते हुए अपना मुंह उधर लगाने वाले होती है। लेकिन इसके बारे में दिखा जा रहा है जो इधर का स्ट्रॉ होता है कुछ और ऐसा होता है, जहाँ पर इसको देखकर लिन कुछ और ऐसा सोचती है और इसके बारे में लिन को पता चलता है वो कोई स्ट्रॉ नहीं होता, वो उस बंदे का मुंह होता है, उसने आगे कर दिया था। और इसको देखकर लिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बारे में लिन कहती है ये सब क्या है। इसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो उस बंदे के मुंह पे एक बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है। बहुत जोर का थप्पड़ मार देती है और उसके कारण मिस्टर पुडिंग का हालत बहुत बुरा हो गया था। इसके बाद वो लोग आ जाते हैं एक ब्रिज के पास जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, साथ ही ये बहुत ज्यादा लंबा भी था। वेल इसके बाद क्या उनको सच में इसके ऊपर जाना ही है यानी क्या ये उनको करना ही होगा। इसके बाद पहले कहता है हाँ किताब में तो यही लिखा हुआ है, तो उसकी कहानी आप इधर जा सकते हो, और उसके बाद पहले उन दोनों को धक्का मार देता है। इसके बाद वो दोनों ब्रिज में आ जाते हैं और इधर आके मिस्टर पुडिंग को बहुत डर लगता है क्योंकि पहले तो ये ब्रिज बहुत पुराना था, साथ ही ये बहुत ऊपर था। तो देखकर लिन कहते हैं वैसे कोई बात नहीं है यानी वो संभाल लेगी, बस उसको जोर से पकड़ो और हम दोनों एक साथ में इस ब्रिज को पार कर लेंगे। मिस्टर पुडिंग इसको सुनकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद वो दोनों आगे जाने लग जाते हैं, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जा रहा है अचानक से ये ब्रिज बहुत ज्यादा हिलने लग जाता है। इसके कारण मिस्टर पुडिंग लिन को बहुत जोर से पकड़ लेता है और हाँ ये कुछ और ही वाला था। पुडिंग लिन का मजा ले रहा होता है, साथ ही पुडिंग पहले को देखता है जहाँ पर पहले ये काम कर रहा था, यानी पहले ही ब्रिज को बहुत जोर से हिला रहा था और इसके कारण मुसीबत में आ गए थे। वैसे इसको देखकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है, उसको लिन के बहुत ज्यादा पास आने का मौका भी मिल गया था और वो अपना काम कर भी रहा होता है। पर ऐसे ही वो लोग बहुत मजा लेते हैं, लेकिन इसके बाद पहले ने बहुत जोर से इस ब्रिज को हिला दिया था और इसकी कहानी आ जाते एक अनसेफ जगह में, यानी जो इधर का जगह होता है ये बहुत पुराना था, तो उसकी कहानी ये टूट जाता है और इसके साथ ही लिन नीचे गिरने वाली होती है और उसके साथ ही लिन नीचे गिर जाती है और इसको देखकर पुडिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लिन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसके साथ ही लिन का भी डेथ होने वाला होता है। इसी बीच पुडिंग लिन को पकड़ लेता है और उसको देखकर वो लोग फिर से शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था पुडिंग कुछ ऐसा भी कर सकता है या फिर उसके पास इतना पावर है। इसके बाद वो लोग आ जाते एक जगह में और उसके साथ ही लिन कह रहे होते बस उसने बहुत कर लिया, अब वो कुछ भी नहीं करने वाली। भी मान जाता है और इसके बाद वो पुडिंग को देखता है जहाँ पर वो अपना काम ऐसे ही कर रहा था और इसे देखकर पहले कहता है वैसे क्या पुडिंग इसके बाद तुम क्या करने वाले हो, और उसके बाद पुडिंग जान लेता है जो उसका है वो इधर खत्म होने वाला है। तो उसकी कहानी पुडिंग रोने लग जाता है, वो कहता है उसका लाइफ में यही फर्स्ट और यही लास्ट डेट था जो कि बहुत जल्द खत्म हो गया, तो उसकी कहानी उसको बहुत बुरा लग रहा है।
बहुत सारे रोने लग जाता है तो उसके कारण एलिन फिर से मान जाती है। खैर इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक जगह में, इनको आइडिया देने लग जाता है, यानी इसके बाद उनको क्या करना था। एक जगह में बैठ जाते हैं चापर पुडिंग लिन के पैरों में अपना रख देता है और उसके बाद वो मचा लेने लग जाता है, तो उसके कारण जो लिन का नंबर होता है यानी काउंट होता है वो बढ़ गया था। इसके बाद उनका काम था यानी पुडिंग को अब पैरों को छूना था और उसके सुनकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपना काम करने लग जाता है, इनका पैर छूने लग जाता है जहाँ पर हाँ ये करके उसको बहुत मजा आ रहा था। लिन को इससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो लिन का काउंट होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था, तो इसके कारण लिन ऐसे ही किसी तरह से इसको सह रही होती है। लेकिन ऐसे टाइम चले जाते जो उनका टास्क होता है वो पहले से भी बहुत गंदा होते जा रहा था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे आ गया था। और इसे देखकर लिन को बहुत ही अजीब सा फील होता है और इसके बाद वो पुडिंग को रोक लेती है और वो कहती है नहीं वो ये सब नहीं करने वाली, पहले तुम कुछ और बताओ क्योंकि ये उससे नहीं होने वाला। और इसके बारे में दिखा जाते पेले को जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है और उसके बाद वो उस बुक को फेंक देता है, तो इसे देखकर लिन कहती है वैसे पहले तुम्हें क्या हो गया, और उसके बाद पहले कहता है हाँ बहुत हो गया नहीं करने वाला। वेल इसके बाद लिन कहती है वैसे क्या हो गया, और उसके बाद पहले कहता है हाँ वो जानता है वो बंदा कौन है, यानी लिन के पास जो बंदा है वो ही है वो लेजेंडरी एस। इसके बाद लिन कहती है वैसे तुम कैसे जानते हो, और उसके बाद पहले कहता है ऑब्वियसली जो उसका काउंट है वो माइनस पे है, यानी अगर किसी का काउंट माइनस पे आ जाए तो उसके बाद उसको एबीएस में भेज दिया जाता है। इसके बाद भी पुडिंग इधर ही है, यानी इसका मतलब यही है ये कोई आम बंदा नहीं हो सकता, और इसके साथ ही इसके मुंह पे एक मार्क है तो उसके कारण हम लोग पता लगा सकते हैं ये कौन हो सकता है। जहाँ पर इस बात को लिन मान जाते हैं यानी यही बंदा कोई एस हो सकता है, तो उसके कारण लिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो अपना किक लगाने लग जाती है। जहाँ पर जो लिन के किक्स होते हैं ये बहुत भयंकर थे, लिन कह रही होती है वैसे तुमने अब तक मेरा पावर नहीं देखा है, यानी मैं ऐसे तो बहुत भयंकर हूँ। लिन अपना किक मार रही होती है जहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट था ये बहुत भयंकर सा होता है। ऐसे ही थोड़ा टाइम फाइट चलता है और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है लिन को जहाँ पर उसके बाद लिन अपना फिर से अटैक करते हैं, जहाँ पर इसको देखकर पहले कहता है वैसे आपको ये अटैक थोड़ा संभाल के करना चाहिए क्योंकि जो आपका नीचे वाला चीज है वो बाहर आ रहा है। इसी बात को सुनकर पुडिंग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है और इसके साथ ही लिन बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद में दिखाया जा रहा है लिन को जहाँ पर वो अपना अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और उसके बाद वो अपना अटैक कर रही होती है और हमें दिखाया जा रहा है पुडिंग को नीचे से सब कुछ देख रहा होता है और इसे देखकर लिन को बहुत ज्यादा शर्म आता है, अटैक नहीं कर पाती है। और हमें दिखाया जा रहा है पुडिंग को जहाँ पर वो अभी इसी ख्वाहिश में था यानी उसको ऊपर से वही सब देखना था, तो इसे देखकर लिन को बहुत ज्यादा शर्म आता है और उसके साथ ही लिन सोचती है ये बंदा लिन भी मान लेती है ये बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता क्योंकि लिन ने इसके ऊपर बहुत सारे अटैक किए थे लेकिन अभी उस बंदे के ऊपर कोई भी खरोच भी नहीं आया था। उसके बाद वो फिर से एक अटैक के लिए रेडी हो जाती है और इसके बारे में दिखाया जाता है अचानक से उसके पास आ जाता है और इसके बाद ही वो अपने प्यार भरा बातें फिर से स्टार्ट कर देता है, यानी वो कहता है मैंने पहले तुम्हारे प्यार में सभी कुछ दे दिया है, यानी तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो और तुम्हारे साथ डेटिंग करके मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही वो अपने बातें कहता है जहाँ पर लिन उसके बातों में आ जाती है और उसके बाद वो भी अपना बातें कहने लग जाती है, यानी वो कहती है अगर हम शादी करेंगे तो उसके बाद हमारे 3 बच्चे होंगे जिसका तुम्हें ख्याल रखना होगा। ऐसे वो अपना बातें कहती है और इसके बाद वो किस करने के लिए अपना मुंह आगे कर देती है, अब तक कोई किस नहीं हुआ था। वेल इसके बाद पहले कह देता है लिन आप अपना आंखें खोल सकते हो क्योंकि वेल इसके बारे में दिखा चल रहा है यानी सीन आ जाता है नाना के ऊपर, पर नाना और हिना एक साथ ही अपना काम करे होता है, हिना के पास बहुत सारा काम आ गया था तो इसे देखकर नाना कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम बहुत चढ़ाई कि ये काम बहुत ज्यादा हार्ड है। वेल इसके बारे हिना कहती है वैसे ऐसा कोई बात नहीं है क्योंकि ये उसके लिए पहला टाइम है तो इसीलिए वो अपना टाइम को एंजॉय कर रही है। वेल ऐसे ही वो लोग अपना काम करे होते हैं और हमें दिखा चले इसी बीच इधर एक बहुत भयंकर फौज आ जाता है यानी बहुत सारे वॉरियर्स इधर आ जाते हैं उसी रेस्टोरेंट पे, साथ ही हमें दिखा चले उनका लीडर यानी कमांडर आ गया था उनके साथ ही और वो नाना के साथ बातें करने के लिए ही इधर आया था। वेल इसके बाद नाना उसके पास आ जाती है और उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं जहाँ पर वो कमांडर फिर से वही बात को कहता है यानी क्या नाना तुम इसके बारे में जानती हो। नाना साफ साफ कह रही थी हाँ वो लिचिट को जानती है लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम पहले आते तो मैं इससे मिलवा रही थी लेकिन अभी के टाइम में मैं नहीं जानती हूँ ये कहाँ पर है। इसके बारे में दिखा चले कमांडर गुस्सा हो जाता है और उसे देखकर आसपास के लोग होते हैं वो लोग भी इधर से भाग जाते हैं। वैसे इसके बाद नाना भी अपना काम करने के लिए फिर से चली जाने लग जाती है लेकिन इसी बीच कमांडर अपना मैजिक का यूज करता है इसके कारण नाना अपने जगह में ही रुक जाती है यानी स्टॉप हो जाती है। सभी को पता चल चुका था अब कमांडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद एक कमांडर फिर से कहता है तो मैं फिर से एक ही बात को पूछ रहा हूँ तो उसके कारण साफ साफ बता देना और उसके अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता। वेल इसके बाद फिर से एक ही क्वेश्चन करता है जहाँ पर नाना को अब मानना ही पड़ जाता है। नाना कहते हैं वो लिचित के बारे में इतना ज्यादा तो नहीं जानते लेकिन वो वेस्ट की तरफ गया है इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जहाँ पर इसको सुनकर वो लोग हैप्पी होते हैं साथ ही कमांडर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो अपने आर्मी के साथ जाने लग जाता है। आते जाते वो उस रेस्टोरेंट को तबाह कर देते हैं अपने मैजिक से और इससे हम लोग कह सकते हैं इस कमांडर का पावर बहुत ज्यादा था। वेल इसके बाद वो अपने वॉरियर के साथ आ जाता है और इसके साथ वो कहता है तो टाइम आ गया एस को
को तबाह करने का यानी एस हंटिंग का, और इसके साथ ही वो लोग वेस्ट की तरफ जाने लग जाते हैं, और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। बाकी तुम लोग मुझे बता सकते हो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में, यानी इसके बाद क्या होने वाला है, एपिसोड देखकर कैसा लगा, और हम लोग मिलेंगे इसके बार वाले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड यहाँ यही बात था।